नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। हिंदुओं की आस्था का केंद्र और ब्रजवासियों के परम पूज्य श्री गिरिराज महाराज सभी हिंदुओं की मनोकामनाएं पूरे करने वाले 21 किलोमीटर में फैले गिरिराज पर्वत पर एक जोड़ा अश्लील हरकत करते हुए पाया गया। हमारी टीम जैसे ही मौके पर पहुंची तो उन्होंने अश्लील हरकतें बंद कर दी, लेकिन उनके कुछ वीडियोस हमारे पास मौजूद है। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जोड़ा गिरिराज जी की तलहटी में अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया और जूतों समेत वहां से भाग जाने में कामयाब रहा। यह घटना गोवर्धन थाना क्षेत्र के छोटी छोटी परिक्रमा मार्ग स्थित हरगोकुल मंदिर के बिल्कुल पीछे है। बात केवल इतनी सी नहीं है कि हमारी टीम को लगातार 4-5 दिन से सूचनाएं मिल रही थी। कुछ बाहर के रहने वाले लोग गिरिराज पर्वत पर रहकर गिरिराज शिलाओं पर आग लाकर मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। इन्हीं की तलाश में जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां जली हुई गिरिराज जी की शिलाओं समेत नॉनवेज बनाने वाले बर्तन साथ साथ यह प्रेमी जोड़ा अश्लील हरकत करते हुए पाया गया। तो आप यह देख सकते हैं कि किस तरह गिरिराज जी में आस्था के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और शासन प्रशासन मुखदर्शक बना बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका? बबलू से। आप कहाँ पर कर रहे थे? गोकुल पे। यहाँ पे अभी अभी एक लड़का लड़की गिरिराज जी की शिलाओं पर कुछ अश्लील काम करते हुए पकड़े गए थे, क्या कहेंगे उसके बारे में? गलत काम है, सब लोगों ठाकुर जी पे भी गलत काम है, गलत ही होगा। तो आपने देखा था उनको? जी। कहाँ के लोग प्रतीत हो रहे थे वो दोनों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ना है। आज जैसा कि गिरिराज जी पर्वत के ऊपर देखा गया कि कुछ शिलाओं में आग जलाकर वहाँ खाना बनाते वो बनने की वहाँ कुछ राख वगैरह मिली है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? ये बहुत गलत काम है, अच्छा काम नहीं है, ये हमारे ही ठाकुर जी हैं, अगर हम इनकी नहीं करेंगे तो फिर इनकी करने कौन आएगा? ये कौन लोग हैं जो इस ये सब बाहर के हैं? हमने कम से कम चार पांच लोगों को पकड़ा, दो तीन दिन हमने उसमें मारा राउंड, कभी रात में मारते कभी दिन में मारते, हमको यहीं पर लोग मिलते हैं और हम उनसे पूछा ताछी करते हैं, मारता छिड़ते जो नहीं है कि पुलिस चले गई, अवाल कोई वारदात हो गई, हमको उससे डर लगता है, हमको भगा देते थे। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है? नहीं, हमने अभी प्रशासन के बारे में किसी से कुछ कहा नहीं है, हमने ही अपने आप थोड़ा सा हल्का सा ये कदम उठाया था, दो चार लोगों से परिवार में। सुनने में आता है यहाँ कुछ लोग दारू वगैरह भी पीते हैं? हाँ, बहुत काफी बोतल वगैरह मिली थी, सुबह के टाइम गए थे, उस टाइम पे बहुत दिन कहलाए थे, कुछ उनके खाने के बर्तन भी है पकाने के, लोटा लुटिया ऐसे बर्तन भी मिले। क्या नाम है आपका? अभिनव। जैसा कि ये बर्तन और गिरिराज जी की शिलाओं पे कुछ राख वगैरह टाइप की देखी गई है, हाँ। क्या मामला है ये सब? और ये कुछ बनाते खाते हैं गलत चीजें, मतलब और ये गिरिराज जी पे? हाँ, गिरिराज जी पे। कौन लोग हैं वो? ये बाबा लोग हैं और कौन है? तो आपने इसकी कंप्लेंट कभी किसी प्रशासन के अधिकारी? सबसे बोलते हैं, सब जो भी आता है सबसे बोलते, मगर किसी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। यहाँ सुनने में आया कुछ दारू की बोतल वगैरह भी मिली? बोतल है, पौआ आधे बहुत पड़े थे वहाँ पर, इकट्ठा भर के लाए थे वहाँ से। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वंचित व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंभावली गढ़मुक्तेश्वर जनपदीय टीम बी व सर्विलेंस की संयुक्त टीम ने थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रांतर्गत अध्यापक के साथ लूटपीट व हाजीपुर क्षेत्रांतर्गत सिपाही को कार में लिफ्ट देकर लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 2 घायल सहित 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया कि यह अपराधी शातिर किस्म के अपराधी है। इन्होंने थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत अध्यापक के साथ हुई लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और थाना हाजीपुर क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जनपद बरेली में तैनात एक सिपाही को कार में लिफ्ट देकर बंधक बनाकर लूटपाट करने की घटना को अंजाम दिया था। तो वही आज हापुड़ पुलिस द्वारा दोनों घटनाओं का खुलासा करते
हुए पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल अवस्था में दो घायल सहित चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से तीन अवैध तमंचा कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार एवं लूटे हुए 12,000 रुपए बरामद हुए। उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिंभावली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देर रात्रि को हापुड़ पुलिस की बदमाशों के साथ सिंगावली थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें हापुड़ पुलिस ने चार बदमाशों को पकड़ा है। दो बदमाश घायल हुए हैं, इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। इन बदमाशों का एक संगठित गिरोह है जो हापुड़ मुरादाबाद हाईवे पर रात्रि में लूट की घटनाएँ करते हैं। इन्होंने 12 अप्रैल को एक अध्यापक के साथ गढ़ थाना क्षेत्र में लूट की घटना की थी, तथा 5 मई को एक सिपाही जो कि अपनी ड्यूटी से लौट रहा था उसके साथ हाफिजपुर थाना क्षेत्र में घटना की थी। ये रात्रि में स्विफ्ट डिजायर अपनी गाड़ी से निकलते थे, लोगों को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाते थे तथा उनके साथ उनको बंधक बनाकर उनसे लूट करते थे। उसके बाद उनको निर्जन स्थान पर फेंक जाते थे। इनके विरुद्ध अमरोहा तथा मुरादाबाद जनपद में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनसे 3 तमंचे, 12,000 रुपये कैश, कुछ जिंदा कारतूस तथा एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद की है जो कि घटना में इस्तेमाल करते थे। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। जनपद महोबा के कबरई थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने युवक को कुचल डाला, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके चलते मृतक युवक के परिजनों को काफी आक्रोश देखने मिल रहा है। मामला जनपद महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के 5 पहाड़ी रोड का है, जहां सड़क की दुर्दशा के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती है। आज ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवक अपनी लड़की की शादी का कार्ड देकर वापस आ रहा था, जैसे ही कबरई स्थित 5 पहाड़ी रोड की अचानक से मौत बनकर तेज रफ्तार ट्रक ने लड़की की शादी का कार्ड देकर लौट रहे बाइक सवार युवक को कुचल डाला, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 5 पहाड़ी रोड पर सड़क न होने के कारण यह सड़क हादसे होते ही रहते हैं। युवक की मौत के चलते गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया, जिससे ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई है। हुआ है निवासी घरौन पुत्र किशोर, इसकी डंपर से मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से, और परिवार जन काफी दुखी थे, उनको संवेदना व्यक्त की गई और परिवार वालों ने अब डेड बॉडी की PM के लिए तैयार हो गए हैं। प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की जाएगी, चाहे वो बीमा योजना हो, पारिवारिक लाभ योजना हो, शादी अनुदान हो, हर संभव मदद प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाएगी। सर, ये सड़क खराब है, इसको लेके भी जाम लगाया गया है, क्या है इसमें पूरा मुद्दा? अभी फिलहाल मेरी ज्वाइनिंग तो अभी 1 हफ्ते पहले हुई है, जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है और मैं पूरा प्रयास करूँगा पर्सनल इंटरेस्ट लेकर कि जो भी टेक्निकल इसमें कमी है इसको दूर कराती हूँ, शीघ्र इसका रोड का निर्माण हो। जी सर, धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। BJP नेता मंगल सिंह राठौड़ की दबंगई से परेशान है नगरवासी, आए दिन देते हैं जेल भेजने की धमकी और करते हैं मारपीट। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र में मेयर नितिन राठौर के पिता मंगल सिंह राठौर BJP नेता है और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ मिलकर मोहल्ले के ही एक व्यक्ति एवं परिवार की औरतों पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि मंगल सिंह राठौर ने मेरे 3 प्लॉट बेच दिए थे और उन प्लॉट का पैसा मांगने के लिए जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने पैसे नहीं दिए और कहा कि मेरी सरकार है, मैं कोई भी पैसा नहीं दूंगा और मेरे परिवार के साथ अपने दोनों पुत्रों को लेकर मेरे घर पर चढ़कर मुझे और मेरी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की और कहा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, नहीं तो तुझे जेल में डलवा दूंगा, तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। जिस प्रकार मंगल सिंह राठौर की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, इसमें मेयर नितिन राठौर के पिता मंगल सिंह राठौर की दबंगई साफ नजर आ रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि मंगल सिंह राठौर सरकार की आड़ में दबंगई दिखा रहे हैं। ऐसे नेता को सरकार तुरंत संज्ञान में ले, नहीं तो दबंग नेता मंगल सिंह राठौर एवं दोनों पुत्र पुत्री मेयर नितिन राठौर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। क्या नाम है आपका? अरविंद राठौर। क्या बात हो गई थी अभी? इन्होंने मेरे 3 प्लॉट बेच दिए, मेरे से चीटिंग करी है, पैसे मांगे तो जो बोलते हैं तेरे को जेल में सड़ा देंगे। किस बात को पीछे झगड़ा हुआ था? किस बात को लेके? सिर्फ पैसे के पीछे। कौन लोगों से झगड़ा हुआ था? कौन लोग थे वो? किनका लड़का था? कौन था भैया? छोटा वाला मेयर साहब का? हाँ, मेयर का। मैं तो और मेरे पास
मारपीट की वीडियो क्लिपिंग की है। आप लोगों को चाहिए। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।